टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल है आपका इफ़ एम इज़ ऑफ द फॉर्म एम इक्वल टू वाई एफ वन एक्स वाई एंड एन इज़ द फॉर्म एन इक्वल टू एक्स एफ ऑफ टू एक्स वाई, ठीक है। देन आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा आपका वन अपॉन एम एक्स माइनस एन डॉट वाई, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड रूल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, सॉल्व y ब्रैकेट एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय एक्स वाई ब्रैकेट। जब हम इसको एक्स वाई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, वन प्लस टू एक्स वाई और यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई डी वाई, ठीक है, यहाँ पे आपका डी एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा आपका वाई, जो वाई है यहाँ से कॉमन एक्स वाई निकाला तो ये हो गया एक्स वाई और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे x एज कॉम मतलब ऑलरेडी था, ठीक है, एक्स वाई हमने क्या किया, कॉमन निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा वन प्लस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या बचा, वन माइनस एक्स वाई और डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको जो ये वाली इक्वेशन नंबर टू है इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपका वाई एफ वन एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका एन एक्स एफ एफ टू एक्स वाई था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका एम क्या जाएगा आपका, एम इज इक्वल टू वाई एफ वन एक्स वाई, ठीक है, एन इक्वल टू एक्स एफ टू एक्स वाई, ठीक है। और जब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिकल फैक्टर इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है, एम की वैल्यू क्या है आपके पास, एम है आपके पास वाई वन प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, ये आपका एम है, ये आपका क्या है एन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, माइनस एन क्या है आपके पास, एन है आपके पास एक्स वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब इसको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, ठीक है। जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू, जो इक्वेशन टू थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ यानी आई एफ के साथ। तो आई एफ था हमारे पास वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसके साथ हम इक्वेशन नंबर टू को इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने इसको इक्वेशन टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका वाई अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे वन प्लस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स वाई और डी वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्स से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर जो है हम इसके क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस टू अपॉन टू थ्री एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वन अपॉन थ्री वाई आ जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर जो है हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, डी वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस टू अपॉन थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री वाई डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, डी वाई वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जहाँ पे आपका एक्स है उस वाली टर्म को हम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स है तो ये वाली टर्म हम नहीं लेंगे, ओनली हम टर्म लेंगे आपकी वाई की, ठीक है। तो वाई वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, माइनस वन अपॉन थ्री वाई। तो जब हम इसी को ही आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, ठीक है,
ओनली दिस टर्म विच डज नॉट कंटेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रूल होता है, वही टर्म लेनी है आपने जो एक्स कंटेन ना करती हो, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपका, ठीक है। तो 1/3 और वाई क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेस्ट टू माइनस टू डी एक्स, ठीक है। वैसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 कांस्टेंट है 1/x डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1/y डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3y, ठीक है। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो वो जो पावर आपकी इंक्रीज हुई वही आपकी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू पावर माइनस 2+1 डिवाइडेड बाई माइनस 2+1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होती है आपकी, log ऑफ x होती है, ठीक है। और माइनस 1/3 ये हो जाएगा आपका log ऑफ y इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका इंटीग्रल 1/x dx log ऑफ x हुआ था, वैसे ही इंटीग्रल 1/y dy आपका क्या हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1/3xy, ठीक है, क्योंकि माइनस 2+1 तो x रेज टू पावर माइनस 1 जब नॉमिनेटर में आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माइनस 2+1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ये जगह माइनस 1/3xy प्लस 2/3 log ऑफ x माइनस 1/3 log ऑफ y इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है तो 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ माइनस 1/xy प्लस 2 log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू 3c इक्वल टू c। जो 3c क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, कैपिटल C पुट कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड रूल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल है आपका, फॉर दिस टाइप ऑफ x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n, ठीक है, ब्रैकेट ए वाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई प्लस x रेज टू पावर m डैश y रेज टू पावर n डैश ब्रैकेट में a डैश y डी एक्स प्लस v डैश x डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k आ जाएगा, ठीक है। वेयर m प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई b, ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। और m डैश प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई a डैश इक्वल टू n डैश प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई b डैश जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ रूल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है इसका आपका, सॉल्व y रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y dx प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 3 dy इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे और यहाँ पे क्या आपका y रेज टू पावर 3 dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dx माइनस 2x स्क्वायर y dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा आपका 2xy स्क्वायर dy माइनस x रेज टू पावर 3 dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या वाई स्क्वेयर कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाई स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ वाई स्क्वेयर वाई डी एक्स, यहाँ पे एक वाई बचेगा तो वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचाएगा आपके पास 2x डी वाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे एक्स का क्यूब है, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा माइनस 2y डी एक्स और यहाँ पे आपका क्या बचाएगा माइनस एक्स और डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग विद, अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, जो आपका फोर्थ रूल था, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या था आपके पास, ये था आपके पास x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n, ठीक है, ए वाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई प्लस x रेज टू पावर m डैश y रेज टू पावर n डैश, यहाँ पे था आपके पास a डैश y डी एक्स प्लस b डैश x डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कंपेयर करोगे तो x रेज टू पावर m, तो m क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है, वैसे ये n क्या है आपके 2 है, a क्या है यहाँ पे, ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो ए क्या है आपके पास 1 है और बी क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। वैसे जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एम डैश है वो कितना है 2 है, ठीक है, एम डैश क्या है हमारे पास 2 है, एक्स रेज टू पावर एम डैश, यानी एम डैश की वैल्यू क्या है 2 है। वैसे ही एन डैश की वैल्यू क्या है, क्योंकि वाई का कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो एम डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। वैसे ही ए डैश क्या है यहाँ पे माइनस का 2 और बी डैश क्या है यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास माइनस का 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप था आपके पास फोर्थ रूल में कि आपने क्या करना है, m प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई b,
इसको इक्वल करना है। वैसे ही आपने एम डैश प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई ए डैश इक्वल टू एन डैश प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई बी डैश, इसको आपने क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जीरो प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू टू प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस का वन। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा टू एच प्लस टू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टू प्लस के प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया टू एच माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक प्लस का एक माइनस का जीरो हो जाएगा, माइनस का के इक्वल टू वन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा ये टू प्लस वन थ्री। ठीक है, तो एच प्लस थ्री इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू के प्लस टू, इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस टू के इक्वल टू माइनस का वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के और एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू वन है और एच की वैल्यू क्या आपके पास वन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टू एच माइनस के इक्वल टू वन, ये हो जाएगा आपका एच माइनस टू के इक्वल टू माइनस का वन। ठीक है, जब इसको हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका टू एच कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आम पे आ जाएगा के इक्वल टू वन, जब के इक्वल टू वन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप था आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको क्या बोला गया, एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के। ठीक है, तो एच आपके पास वन है, के भी आपके पास वन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर वन एंड वाई रेज टू पावर वन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जितने भी आपने रूल्स पढ़े वहाँ पे आपके जो स्टेप हैं वो आपके क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एक्स वाई के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे एक्स वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई, यहाँ पे वाई रेज टू पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स वाई, ये हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर फोर, ठीक है, एक्स वाई रेज टू पावर फोर माइनस टू एक्स रेज टू पावर थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर फोर एंड वाई डी वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, जो आपकी जो ये इक्वेशन है यानी फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। जब हम फोर्थ इक्वेशन को जब हम सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई रेज टू पावर फोर माइनस टू एक्स रेज टू पावर थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ओनली दिस टर्म विच डज नॉट कंटेन एक्स, वही टर्म आप लोगे। ठीक है, जिसके साथ आपका एक्स जो है वो लगाना हो, ठीक है, कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर फोर और वाई है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म विदाउट एक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर फोर इंटीग्रेट एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टू वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर थ्री डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे विदाउट एक्स कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो डी वाई इक्वल टू सी आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर फोर, एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर इंक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर एक और पावर इंक्रीज होगी एक्स की, तो ये हो जाएगा एक्स फोर अपॉन फोर इक्वल टू सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर फोर अपॉन टू माइनस, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इस टू से ये फोर कैंसिल हो जाएगा तो टू बच जाएगा इक्वल टू सी। टू क्या दोनों में सेम है, ठीक है, तो हम एलसीएम लेते हैं और इस टू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर फोर माइनस यहाँ पे एक्स रेज टू पावर फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। तो सी डैश क्या है आपका, टू सी के बराबर है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, तो वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। तो ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ रूल ऑफ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लास्ट रूल देखेंगे, फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल है आपका, जैसा आपका थर्ड रूल था, ठीक है, वैसे ही आपका सेम है आपका फिफ्थ रूल है। ठीक है, ये आपका द होमोजीनियस इक्वेशन इफ एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू जीरो,
ठीक है, एम डी एक्स है और यहाँ पे एन डी वाई इक्वल टू जीरो विद अ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका, जो आपका थर्ड रूल था वहाँ पे, यहाँ पे क्या था एम एक्स माइनस एन वाई था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई है, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ रूल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस, ये इस तरफ ले आएंगे तो आपको, तो यहाँ पे जो आपकी राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस वाई रेज टू पावर थ्री डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका एम इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है, और एन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन का, आपने फिफ्थ रूल में पढ़ा, ठीक है। ये आपका m हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था आपके पास, वो था वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस वाई थ्री एक्स प्लस, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और y, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन वन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, जब इसको इसके डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर थ्री अपॉन एक्स फोर, तो थ्री से एक्स रेज टू पावर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन एक्स, वैसे यहाँ पे वाई रेज टू पावर थ्री अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर और डी एक्स, यहाँ पे माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर टू अपॉन एक्स रेज टू पावर थ्री डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, विच इज़ एन एग्जैक्ट इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या है आपकी एक एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने का आपका फॉर्मूला पता होता है कि जो डी एक्स के साथ जो भी टर्म है वो तो हम ले लेंगे, बट डी वाई के साथ हम कौन सी टर्म नहीं लेंगे जिसके साथ आपका एक्स लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे पास डी वाई की एक ही टर्म है वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब, तो ये वाली टर्म नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जीरो डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस, अलग इंटीग्रल लेते हैं तो वाई क्यूब क्या जाएगा आपका कांस्टेंट, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर और डी एक्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स आपका क्या होता है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस वाई रेज टू पावर थ्री, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री इक्वल टू सी, ठीक है। जो फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू पावर थ्री अपॉन थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स क्यूब इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल, ठीक है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एंड सेकंड रूल थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। ये आपका थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ रूल था, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।